वेल अगेन, जब से एंड्रॉयड 12 को लॉन्च किया गया है उसी के कुछ दिन बाद आपके डिवाइस रेडमी 7 को ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की तरफ से अनसपोर्टेड कर दिया है। मतलब यहाँ पर काफ़ी अजीब बात हो चुकी है कि आपके डिवाइस को अभी कोई भी मेंटेनर मेंटेन नहीं कर रहा है। मतलब जो आने वाली जो भी रिकवरीज थी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी थी, वो आपके डिवाइस के लिए कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपके डिवाइस को अनसपोर्टेड कर दिया है। अभी मुझे इसके बारे में काफ़ी सारे मैसेज आने लगे कि आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे क्या हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोग फ्यूचर में अपडेट रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऑफिशियल साइट पे दिखाना चाहूंगा कि हमारे डिवाइस को सचमुच यहाँ पर अनसपोर्ट कर दिया है। अभी आपको सिंपली ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर जाना होगा, जो इनका वेबसाइट है। आपको सिंपली यहाँ पर चेकआउट करना है ऑल डिवाइसेस को, बिकॉज यहाँ पर काफी कम डिवाइसेज हैं जो अभी के लिए सपोर्टेड है। ठीक है, अभी आपको ऑल डिवाइस में जाना होगा और आप लोग यहाँ पर अपने डिवाइस का नाम देखोगे जो यहाँ पर अनसपोर्टेड हो चुका है। एंड यहाँ पर जो हाईलाइट किया जाता है उसे हाईलाइट नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अभी जो पुराने वाला जो मेंटेनर था अभी इसे मेंटेन नहीं कर रहा है। अभी जब तक आपके डिवाइस के लिए कोई इस रिकवरी को मेंटेन नहीं कर लेता तब तक आपको इसका कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि आप सभी को यहाँ पर देखना होगा कि आपको काफ़ी सारे अपडेट्स दे के रखे हैं। हालांकि जो मेंटेनर इसे पहले मेंटेन कर रहा था वो इस पर काफ़ी मेहनत कर चुका है और आपको बेसिकली काफ़ी अपडेट्स प्रोवाइड भी कर चुका है, चाहे वो किसी भी वर्जन के क्यों ना हो। हालांकि आपको यहाँ पर काफ़ी अपडेट देखने को मिले हैं, तो हमें इसी की मेहनत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज इस बंदे ने भी काफ़ी मेहनत की है। चलो अभी बात कर लेते हैं फ्यूचर वाले अपडेट के बारे में। अभी यार क्या आपको इसका एक नया अपडेट मिलेगा, क्या आपके डिवाइस को ऑफिशियल रिकवरी देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर मैं जवाब दूंगा यस, बिकॉज ऐसा पहले भी हो चुका है। आपके डिवाइस का जो रिकवरी था वो पहले भी यहाँ पर अनऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल से हट चुका था, लेकिन फिर से दोबारा से वापस आ चुका था। बस हमें यहाँ पर वेट करना होगा जब तक कोई मेंटेनर इसे मेंटेन नहीं कर लेता। तो बस यही हमारे पास एक चारा है जिसे हमें यहाँ पर वेट करना होगा। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर हमारे पास चांस नहीं है। हालांकि हमें बस इसका वेट करना होगा जब तक कोई नया मेंटेनर इसे मेंटेन नहीं कर लेता। हालांकि ये रिकवरी काफ़ी अच्छी है और आप लोग सोचोगे पीच ब्लैक रिकवरी कैसी है, उसका मेंटेनर क्या कर रहा है? तो गाइस उसका मेंटेनर भी यहां पर डिक्लाइंड हो चुका है, मतलब कि अनसपोर्टेड हो चुका है। अभी जब तक किसी भी रिकवरी के अंदर अपडेट आ जाए हम तो वही यूज़ करेंगे और तब जाकर ही आप अपने डिवाइस के अंदर इंक्रिप्शन प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी इसका अपडेट आएगा तो मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बता दूंगा।